हाँ तो भाई लोग यार कैसे, उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे, आपकी लाइफ नंबर वन की चल रही होगी। तो देखो यार, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई हिंदी डब प्रीमियर मूवी के बारे में जिसका डिजिटल प्रीमियर होने वाला है। नाम है उसका इडियट, और इसी मूवी का करने वाले रिव्यू। देखने वाले क्या देखने को मिला, इसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, इन्हीं सब बातों को आपको अच्छे से बताएंगे। पर हाँ, इस इंट्रो के बाद तो अगर पहले इसके स्टार कास्ट के बारे में अगर आपको बता दें तो उसमें देखने को मिलने वाले हैं रवि तेजा प्लस कुछ और भी अच्छे एक्टर। तो पहली बात यार, आज यार रवि तेजा सर का बर्थडे है तो उनको हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। हैप्पी बर्थडे सर, और आप ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज हमारे लिए लाते रहिए। एनुअल टाइम में उनकी बहुत सारी मूवीज रिलीज हो रही है और उम्मीद है कि वो सारी मूवी यार बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी निकलेंगी और ऑडियंस को पसंद आएंगी। फिर यार अब आगे बात कर लेते हैं इसकी कहानी के बारे में कि पूरी स्टोरी का होने वाली है। तो देखो यार, स्टोरी फोकस करती है एक चिंटी नाम के कैरेक्टर के ऊपर जो एक कॉन्स्टेबल का बेटा होता है पर लापरवाह बहुत है, और उसके बाद वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है पर जो लड़की का बाप है वो पुलिस वाला है, और वो भाई साहब नहीं चाहते हैं कि उनकी लड़की इनसे प्यार करे और इनसे शादी करे। फिर आगे चल के क्या होता है, क्या क्या स्टोरी दिखाती है हमें, इन सभी बातों को जानने के लिए तो आपको देखना है मूवी को, जो आज दिन में 12 बजे से आपको देखने को मिल जाएगी आरकेडी स्टूडियो पर। पर हाँ, अगर देखने प्लान कर रहे हो तो भाई यार 2 मिनट रुक जाओ बस वीडियो में आगे, आपको पता चल जाएगा कि मूवी को देखने आना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, स्क्रीन प्ले कैसा है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, एक्टिंग कैसे देखने को मिली, इन सभी बातों के बारे में। तो पहले बात कर ले अगर स्टोरी के बारे में, तो मूवी यार 2003 या 2002 की है पर फिर भी यार स्टोरी काफी अच्छी लगेगी आपको, खास तौर पे उसका प्रेजेंटिंग का तरीका, उसका पूरा नरेट करने का अपनी स्टोरी का तरीका, उसके बाद यार पूरा जो स्क्रीन प्ले है वो, ये सब चीजें यार स्टोरी के लिए प्लस पॉइंट बनती है। अब देखो अगर 2002 की मूवी अगर मुझे पसंद आई है तो उसका रीजन ये है कि इसकी स्टोरी, उसके बाद इसमें जो कैरेक्टर राइटिंग की गई है वो सारी चीजें, बीच में जो कॉमेडी डाली गई है वो भी यार काफी ज्यादा अच्छी है। मतलब फर्स्ट हाफ में जो कॉमेडी देखने को मिलेगी पूरी तरीके से स्टोरी में, वो बहुत ज्यादा लाजवाब है और आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस करने वाली है। पूरा स्क्रीन प्ले आपको बांध के रखता है जिससे आप अलग ना हो मूवी से और बोर ना हो, मतलब जो लेंथ वाली प्रॉब्लम है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अगर हाँ 2 घंटे की मूवी में कहीं आप 2 या 3 मिनट के लिए बोर होते हो तो वो यार बात अलग है, पर जहाँ तक आप इस मूवी से बोर नहीं होने वाले हो। पूरी तरीके से जो रवि तेजा कैरेक्टर लिखा गया वो उन पर सूट भी करता है और उनका वही मास वाला स्टाइल है। हाँ, मूवी का प्रोडक्शन वैल्यू उस टाइम के हिसाब से थोड़ा बहुत आज बुरा जरूर लगेगा और थोड़ा बहुत कमजोर जरूर लगेगा, पर उसको अगर चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। जो यहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगा आपको वो यार A1 है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, और उस टाइम भी बोल सकते हैं कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री अपने बैकग्राउंड स्कोर पर अच्छे से काम करती थी। मूवी के स्क्रीन प्ले में जो सस्पेंस और ट्विस्ट है वो मेरे को ओके लगे, काम चल जाएगा उनसे, ज़्यादा खराब नहीं है पर ज़्यादा बहुत बड़े वाले भी नहीं है तो उनकी इतनी तारीफ नहीं बनती है, तो वो खराब भी नहीं कह सकते उन्हें, तो यार उन्हें खराब भी नहीं कह सकते हैं। बाकी जो पूरा स्क्रीन प्ले उसका ऑडियंस कनेक्शन यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। वहीं अगर थोड़ा साथ में बात कर इसमें एक्टिंग के बारे में, तो मूवी में जो काम देखने को मिलता है रवि तेजा सर की तरफ से वो नंबर वन वाला है। इनसे अलग जो एक्ट्रेस है उनका काम भी यार काफ़ी बढ़िया लगा, साथ में यार प्रकाश राज सर का काम भी यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा और उनके काम से भी आप इम्प्रेस होने वाले हो। तो अगर फाइनल बात कर ले इस मूवी के बारे में, मूवी ने यार मुझे निराश नहीं किया, अच्छी लगी है, पसंद आई, मेरा टाइम पास अच्छे से किया इसने, और मैंने जो अपना 2 घंटा लगाया था इस मूवी के ऊपर वो इंटरटेन हुआ। तो अगर आपको इस मूवी का वेट था तो यार जाओ देखो, अगर आपने पहले देख रखा तो यार मैं कह नहीं सकता हूं, अगर नहीं देखा है तो यार जाओ देखो, आरकेडी स्टूडियो पर मिल जाएगी 12 बजे से। बाकी यार आज 26 जनवरी भी है तो आपको यार बहुत बहुत शुभकामनाएं 26 जनवरी की और हमारे गणतंत्र दिवस की। बाकी यार हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ बोलना हो तो कमेंट करके बता देना, चैनल पे नए हो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।